जय हिंद बच्चों, आज मैं कक्षा 4 और 5 के लिए हिंदी व्याकरण में क्रिया के संबंध में अध्ययन करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यह लिखा हुआ है क्रिया। तो क्रिया का संबंध सीधा कार्य से होता है, क्रिया का संबंध सीधा कार्य से होता है अर्थात काम से होता है। क्रिया का हम सटीक परिभाषा यह जानेंगे कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। या एक समझने के लिए क्रिया की परिभाषा के रूप में हम यह जानेंगे कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा है वह क्रिया है, परंतु इसमें कुछ ऐसे अपवाद शब्द हैं जो हिंदी का शब्द है उसमें ना भी लगा हुआ है लेकिन वह क्रिया नहीं है। जैसे हम कहेंगे नाना, तो नाना कहने से, नाना एक हिंदी का शब्द है लेकिन इससे कोई कार्य नहीं हो रहा है, जबकि हम शुरुआत बता चुके हैं कि क्रिया का संबंध सीधा कार्य से होता है, लेकिन नाना कहने से कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वह शब्द क्रिया नहीं है। हम कह देंगे काना, तो काना कह देने से एक शब्द का तो निर्माण हो रहा है, ना भी है लेकिन इससे कोई कार्य नहीं हो रहा है। जैसे अभी हमने कहा कि हिंदी के ऐसे शब्द हैं जिसमें ना लगा हो, जैसे आना, जाना, सोना, हंसना, बोलना, पढ़ना, ये सब क्या है, ये सब क्रिया शब्द है। जैसे हम कह दिए खेलना, तो इसमें खेलने का काम हो रहा है। जैसे हम कह दिए पढ़ना, तो इसमें पढ़ने का काम हो रहा है। हम कह दिए दौड़ना, तो इसमें दौड़ने का काम हो रहा है। तो इसका हम परिभाषा के रूप में लेंगे कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे क्रिया के भेद के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हिंदी व्याकरण में क्रिया के दो भेद होते हैं। जो पहला आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब हम जानेंगे अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया या वह क्रिया है जिसमें कर्म का भाव रहता है, जिसमें कर्म नहीं होता। जैसा कि उदाहरण आप देखे होंगे, नीचे लिखा होगा, जैसे मैं पढ़ता हूं, पढ़ने का काम हो रहा है लेकिन क्या पढ़ता हूं, इसमें कर्म का अभाव है। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा नीचे लिखा हुआ, तुम जाते हो, यहां पर जाने का काम हो रहा है लेकिन कहां जा रहे हो, इसमें कर्म का अभाव है। तो यहां पर जहां पर कर्म का अभाव रहता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह शब्द है जो कर्म युक्त होता है, उसमें कर्म जुड़ा हुआ रहता है। जैसा कि उदाहरण यहां पर लिखा हुआ है कि वह पत्र लिखता है, वह लिखता है और वह पत्र लिखता है, तो यहां काम क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। लेकिन आप यहां यह नहीं कह सकते कि क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि यहां पर कर्म है। ये देखिए यहां पर पत्र लिखा हुआ है, तो पत्र जो हुआ यह कर्म हुआ। क्या लिखा जा रहा है, तो यहां पर पत्र लिखा जा रहा है, इसलिए यह कर्म युक्त जो शब्द है, जो वाक्य है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण है रमेश किताब पढ़ता है, इसमें भी कर्म जुड़ा हुआ है, वह रमेश पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, तो किताब पढ़ता है। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है किताब पढ़ता है, तो यह इसमें कर्म क्या है,
इस किताब क्या हुआ, ये कर्म हुआ। पत्र क्या हुआ, इसमें कर्म हुआ। लिखना क्या हुआ, लिखना इसमें नान ता, इसमें काल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ का लिखना, लिखता का मूल शब्द जो है यहाँ पर लिखना हुआ, यहाँ पर ताप काल काल है यहाँ पे। तो ये जो लिखा हुआ, लिखता जो हुआ ये क्रिया हुआ, यह जो हुआ यह कर्म हुआ, अब यह जो हुआ कर्ता हुआ, ठीक है। कर्ता, कर्म और क्रिया, जो काम कर रहा है करता है, क्या काम कर रहा है तो लिखने का काम कर रहा है, और क्या लिख रहा है तो यहां पर पत्र लिख रहा है, इसलिए यह पत्र इसमें युक्त है। पत्र जो है एक कर्म है, कर्म युक्त वाक्य है। किताब एक कर्म है, कर्म युक्त वाक्य है, इसलिए इसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब आप समझ रहे होंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में, आप डिटेल्स रूप से समझ गए होंगे। तो अब हम चलेंगे थोड़ा सा गृह कार्य की तरफ। तो अब इसमें आपको पहचानना है कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। यहाँ पर आपको गृह कार्य दिया हुआ है, इसमें आपको पहचानना है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, तुम विद्यालय जाते हो, ये यहाँ पर आपको तीन ठो वाक्य दिया हुआ है। इस तीनों वाक्य में आपको बताना है कि इसमें कौन सकर्मक क्रिया का उदाहरण है और कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आप दोनों को अलग अलग करके लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।